गाइस वेलकम बैक टू चैनल। इस वीडियो में हम लोग टेबल में कैप्शन पैक के बारे में पढ़ेंगे और कुछ फॉर्म्स का भी हम लोग देखेंगे पीछे का, राइट। सो कैप्शन मींस व्हेन यू वांट टू डिफाइन द टेबल कैप्शन और एंड इट इज इंसर्टेड इमीडिएटली आफ्टर द टेबल टैग, राइट। तो हम लोग यहाँ पे कैप्शन ऐड करेंगे एंड लेट अस राइट दिस इज आवर टेबल or whatever caption you want to add to it. Save it and view it in the Chrome browser. So ये हमारे पास यहाँ पे caption add हो गया। आप इसको style भी कर सकते हैं अपने accordingly, but once we learn CSS again, right? अब next चीज हम लोग जो आज देखेंगे वो होगा form attributes के बारे में। Forms के बारे में already आपको पिछली videos में बता चुकी हूँ, but the one thing which is left is that is form attributes. Form attributes means form actually have two attributes, that is action and method. Up action ta action हम लोग action जो उसका form attribute होता है guys, हम लोग कभी specify करते हैं जब जिसको हम लोग when we actually click the submit button, अब हम कहाँ जाते हैं कि data हमारा submit कहाँ पर हो, तो हम लोग उस डेटा का वंस वी लर्न द बैकएंड पार्ट तो उस वेबसाइट का लिंक हम लोग और उसका यूआरएल हम लोग यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे ताकि हमारा जो फॉर्म का डेटा जो हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं वहां पर उसका सबमिट होता रहे, राइट। एंड मेथड में हम लोग डिफाइन करते हैं कि हम लोग अपने फॉर्म के डेटा को कौन से मेथड के थ्रू सेंड करना चाहते हैं। ऑल्दो देयर आर मेनी एचटीटीपी मेथड्स, बट फॉर नाउ वी विल बी कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन गेट एंड पोस्ट मेथड। Now, अब HTTP method क्या होता है? HTTP method actually enables the communication between the server and the client. Server is a computer that responds the request to the request of the client, and the client is one which sends the request to the server. और जो server उसकी request को respond करता है, उसको आगे भेजता है response को, right? Now अब हम लोग देखेंगे कि अब हम लोग गेट और पोस्ट मेथड को एक बार स्टडी करते हैं। गेट इज द मेथड, अब वेट, यहाँ पर हम लोग आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड अ फॉर्म ओवर हियर, तो यहाँ पर मैंने अब फिलहाल के लिए हम लोग क्या कर रहे थे, सिर्फ हम लोग फॉर्म यहाँ फॉर्म टैग के बारे में ही पढ़ रहे थे। आज हमारे पास फॉर्म एट्रीब्यूट है तो हम लोग यहाँ पे एक्शन लिखेंगे एंड यहाँ पे हम लोग यू आर एल स्पेसिफाई करेंगे जहाँ पे हमारा फॉर्म का डेटा कलेक्ट होगा, बट फॉर नाउ विल नॉट राइट एनीथिंग ओवर हियर। मेथड में हम लोग गेट या पोस्ट का लिखेंगे एंड विल सेव इट एंड रिफ्रेश इट, अगेन हम लोग देखेंगे कि क्या होता है, राइट। गेट में क्या होता है गाइस, गेट इज द मेथड व्हेन आप जब एक्चुअली डेटा सबमिट कर रहे हो, व्हेन यू वॉन्ट द सर्वर टू गेट बैक द इंफॉर्मेशन एंड उस इंफॉर्मेशन में डोंट वांट समथिंग टू गेट चेंज्ड, राइट। आप जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है मेड व्हेन वी वांट टू गेट बैक सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सर्वर एंड वी डोंट वांट सर्वर टू चेंज समथिंग इन, राइट। और गेट रिक्वेस्ट आर जनरली नॉट सिक्योर, व्हाई, बिकॉज जब हम गेट मेथड में कोई भी डेटा अपना सबमिट करते हैं दैट इज एक्चुअली द पार्ट ऑफ द यूआरएल। यूआरएल मींस यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL means आप यहाँ पर जो भी आप डेटा सबमिट करें, सपोज आपने फॉर्म का मेथड फॉर्म एट्रीब्यूट मेथड को गेट कर रखा है, तो यहाँ पर आप जो भी सबमिट करेंगे वो एक्चुअली URL में आपका विजिबल होता है, दैट मीन्स इट इज द पार्ट ऑफ द URL। सो ऑफ कोर्स इट्स नॉट सिक्योर इन दैट केस, अगर आप कोई सेंसिटिव डेटा सेंड कर रहे हैं, सपोज आपका कोई डिटेल्स है, आपके बैंक डिटेल्स है, आपका पासवर्ड है, अगर आपको यहाँ पर विजिबल होगा तो ऑब्वियसली इट इज नॉट सिक्योर, right? So it is not secured. Also get requests are the part of the browser history, they're cached, they can be bookmarked also, and ye dealing with the sensitive data ke bare mein aapko maine already bata diya hai, right. And length restrictions bhi hoti hai get request mein, that is maximum up to 48 characters का ही आप send कर सकते हैं data get request में। And get request में basically आपका data बिल्कुल भी modify नहीं होता, it's not updated,
दैट मीन्स आप जब भी गेट रिक्वेस्ट मेथड में आप जब भी गेट लिखते हैं देन यू आर ऑलरेडी स्पेसिफाइंग द सर्वर दैट यू डोंट वांट टू चेंज इट अपडेटेड और एड एनीथिंग अराउंड दैट डेटा. ठीक है, बट अगर मैं बात करूँ पोस्ट की तो पोस्ट में बिल्कुल उल्टा होता है गेट पे. व्हेन वी आर सेंडिंग सम इंफॉर्मेशन टू द सर्वर हम लोग जब भी पोस्ट स्पेसिफाई करते हैं तो हम लोग ये सर्वर को बोलते हैं कि यू कैन इधर सेव इट लाइक यू कैन इधर सेव इट अपडेट इट और क्रिएट सम डेटा अराउंड इट राइट, जबकि गेट में बिल्कुल भी नहीं होगा. नाउ पोस्ट रिक्वेस्ट आर रिलेटिवली मोर सिक्योर देन गेट गेट बिकॉज गेट में आपका क्या था जब भी आप कुछ भी इंफॉर्मेशन आप कुछ भी सबमिट करते थे तो वो आपका यूआरएल का पार्ट होता था, बट पोस्ट में ऐसा कुछ भी नहीं होता. दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द यूआरएल, आपका डेटा सिक्योर्ड रहता है. इट इज नॉट अ बुकमार्क, आपका ब्राउजर हिस्ट्री में भी पोस्ट डेटा विजिबल नहीं होता एंड इट इज नेवर कैश्ड. ऑल्सो पोस्ट रिक्वेस्ट डोंट हैव एनी लेंथ रिस्ट्रिक्शंस, सो आई थिंक इट्स मोर सिक्योर एंड फॉर द सेंसिटिव डेटा बेसिकली राइट. अगेन आप यहाँ पर गेट की जगह पोस्ट अगर लिखेंगे एंड व्हेन यू सबमिट योर डेटा इट इज नॉट विजिबल फॉर नाउ. अगर आप हम जो भी करेंगे विल नॉट बी एबल टू सी इट बिकॉज वी हैव नॉट स्पेसिफाइड द बैक एंड पार्ट इन द सेंस आप कुछ भी यहाँ पे सबमिट करते हैं लाइक एंड यहाँ पर 1 स्पेसिफाई द यू आर एल ओवर हेयर इन द एक्शन एट्रीब्यूट आप अगर पोस्ट या गेट मेथड वो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इजिली उसे देख सकते हैं यहाँ पर, बट फॉर नाउ वी कैन नॉट एबल टू सी बिकॉज वी हैव नॉट स्पेसिफाइड द यू आर एल ओवर हेयर राइट. सो ये है एंड देर आर मेनी एच टी टी पी मेथड्स लाइक बट विल बी कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन गेट एंड पोस्ट फॉर. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल. बाय बाय.